हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपको फैंटेसी क्रिकेट फैन में। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैच खेला जाएगा मेलबोर्न स्टार और यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट, उस मैच के बारे में आपको बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा टीम दे पाओ जिसे आप अच्छी तरह से विन कर सको। फ्रेंड्स, मैं आपको ड्रीम इलेवन के साथ साथ प्ले स्पॉट और हाला प्ले की टीम भी दूंगा। तो जो भी प्ले स्पॉट और हाला प्ले में ज्वाइन नहीं है फ्रेंड्स, वो अभी ज्वाइन हो जाइए। बहुत ही अच्छा फैंटेसी ऐप है। यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए सारे जो डिटेल, सारे जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप चाहे तो फ्रेंड्स वहाँ पर मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हाला प्ले की बात करें तो फ्रेंड्स, हाला प्ले में जो है तो आपको 100 रुपीज़ मिलेगा, और अगर प्ले स्पॉट की बात करें तो फ्रेंड्स प्ले स्पॉट में जो है तो आपको 25 रुपीज़ मिलेगा। और इस दोनों ऐप से भी आप यहाँ पर 100% बोनस के साथ खेल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर दोनों टीम के बारे में आप बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहले मेलबोर्न स्टार की तरफ से बात करें तो फ्रेंड्स, मेलबोर्न स्टार ने अभी तक यहाँ पर बहुत ही खराब शुरुआत, यहाँ पर जो सीज़न गया अभी तक यहाँ पर बहुत ही खराब गया है। यहाँ पर 12 मैच खेल के यहाँ पर 4 मैच जीत के और 7 मैच हार के फ्रेंड्स पॉइंट टेबल पे लगभग यहाँ पर लास्ट पे खड़ा है। और यहाँ पर अगर ब्रिस्बेन हीट की तरफ से बात कर ले तो फ्रेंड्स, ब्रिस्बेन हीट अभी तक यहाँ पर ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट टेबल पे नंबर 3 में खड़ा है। यहाँ पर 12 मैच खेल के यहाँ पर 7 मैच जीत के और 5 मैच हार के फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट ने जो अपना अनचेंज यहाँ पर स्क्वाड यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा वो आपको आगे प्लेइंग इलेवन में बताएंगे। और यहाँ पर मेलबोर्न स्टार ने यहाँ पर जो यहाँ पर अपना स्क्वाड यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, उसमें यहाँ पर जो था एलुइस था, जो बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर था, स्क्वाड से बाहर हो गया है। और जो यहाँ पर मार्टिन था उसको स्क्वाड में शामिल हो गया है, वो आपको आगे बताएंगे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हमारा चैनल तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर लास्ट मिनट में कोई चेंज होगा, कोई इंजर्ड होगा, शायद उसका वीडियो मैं आपको अपलोड ना कर पाऊँ, इसलिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए जस्ट आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है फैंटेसी क्रिकेट फैन, एंड वहीं से आपको सारी जानकारी, सारी जो डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल यहाँ पर दोनों टीम का क्या प्लेइंग इलेवन रहेगा उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो ब्रिस्बेन हीट का प्लेइंग इलेवन क्या होना चाहिए, वो आपको पहले यहाँ पर दिखाए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो ब्रेट मानी यहाँ पर टीम के विकेट कीपर है, ओपन करेगा। अभी तक यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर फॉर्म में है। उसके साथ साथ यहाँ पर हेडिस आपको ओपन करने नजर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जो टीम के कप्तान है, जो क्रिस शॉर्ट, यहाँ पर लास्ट 2 मैच अच्छा खेला, लेकिन उसके पहले यहाँ पर उतना अच्छा फॉर्म में नहीं था, लेकिन यहाँ पर लास्ट 2 मैच यहाँ पर अच्छा खेला तो यहाँ पर अच्छा फॉर्म में आ गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जो जॉनसन आपको दिख नज़र आ जाएगा, बहुत ही अच्छे यहाँ पर ऑलराउंडर है फ्रेंड्स। अच्छा यहाँ पर बैटिंग के साथ साथ अच्छा बॉलिंग भी कर लेते हैं, पूरा 4 ओवर यहाँ पर बॉलिंग करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जे जॉनसन नज़र आ जाएगा, वो भी यहाँ पर अच्छा ऑलराउंडर है। उसके बाद यहाँ पर जो सिडोली आएगा, उसके बाद यहाँ पर हैरिस आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जो जेम आर्ब्रेस भी, जो यहाँ पर जो जो टीम के लिए यहाँ पर मेन स्ट्राइकर बॉलर है। उसके बाद सुन लूस, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो हेडी ब्रिकेट लास्ट मैच में नहीं खेले थे, लेकिन मेरे हिसाब से उसको खेलना चाहिए। जो लास्ट मैच में यहाँ पर जो प्रेस्टिज खेले थे, तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रिकेट को खेलना चाहिए। यहाँ पर ब्रिकेट का खेलने का चांस पूरा 90% है, तो यहाँ पर जो प्रेस्टिज का खेलने का चांस बहुत ही कम है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लास्ट में यहाँ पर डेलिजा की मैच है, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से यही प्लेइंग इलेवन रहने वाला है। जो चेंज होगा यहाँ पर, एक ही चेंज होगा यहाँ पर, प्रेस्टिज था वो बाहर हो गया, यहाँ पर बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर उसके जगह पर यहाँ पर ब्रिकेट यहाँ पर डायरेक्ट प्लेइंग इलेवन में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देख लेते हैं जो मेलबोर्न स्टार का प्लेइंग इलेवन वो भी आपको यहाँ पर दिखाए थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेलबोर्न स्टार का प्लेइंग इलेवन, यहाँ पर लिजी ली जो टीम के विकेट कीपर है, और अभी तक यहाँ पर ठीक तक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ओपन करेगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर एंजेला रिक्स आपको ओपन करने नजर आ जाएगा, जो लास्ट मैच में यहाँ पर 30 यहाँ पर रन बनाया था। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर कैप्टन मेक आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डुप्लेसी, जो उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एरिन ऑस्बर्न, जो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है। हालांकि यहाँ पर लास्ट 2-3 मैच उतना कुछ अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लेयर है, कभी भी फॉर्म में आ सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर कैटी मैटिन है। कैटी मैटिन के बारे में बता दूँ फ्रेंड्स, जो यहाँ पर एलुइस जो बाहर हो गया है, उसके जगह पर यहाँ पर कैटी मैटिन को स्क्वाड में शामिल, यहाँ पर कैटी मैटिन यहाँ पर स्क्वाड में शामिल हो गया है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर डायरेक्ट प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे, तो यहाँ पर कैटी मैटिन को खेलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सुदरलैंड आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर निकोला फल्तुन, जो अभी तक उतना अच्छा कर नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर अच्छा प्लेयर है। उसके बाद यहाँ पर हॉली फील्डिंग, जो यहाँ पर अच्छा बॉलिंग करता है। उसके बाद निकोला हैनकॉक एंड यहाँ पर एलाना किंग। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ही प्लेइंग इलेवन रहने वाला है। तो चेंज होगा, एक ही चेंज होगा फ्रेंड्स, जो यहाँ पर एलुइस जो स्क्वाड से फ्रेंड्स बाहर हो गया है, उसके जगह फिर फ्रेंड्स यहाँ पर जो कैटी मैटिन खेलेंगे। अगर यहाँ पर आप स्क्वाड भी देख ले फ्रेंड्स, यहाँ पर एली डोनल,
जिसका खेलने का चांस बहुत ही कम है। और यहाँ पर क्रिश्चियन विम्स, अभी तक यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं आया है फ्रेंड्स, जो यहाँ पर इंजियर है क्रिश्चियन विम्स, तो यहाँ पर क्रिश्चियन विम्स का जो खेलने का चांस यहाँ पर बहुत ही कम है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से यही प्लेइंग इलेवन रहने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आप जो यहाँ पर ड्रीम इलेवन की टीम मैंने बनाई है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स प्ले स्पॉट और हार्पे की टीम वो भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं ड्रीम इलेवन का टीम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप जो ड्रीम इलेवन का टीम मैंने बनाई है, आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए विकेट के ऊपर का यहाँ पर तीन ऑप्शन है, यहाँ पर तीनों ही खेलेंगे। यहाँ पर देखिए जो लीजी ली की बात करें तो फ्रेंड्स लीजी ली ओपन करता है, और यहाँ पर अभी तक यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। मैंने यहाँ पर बेदमनी को लिया है, वो भी बहुत ही अच्छा फॉर्म में ओपन करता है फ्रेंड्स। अब चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पर लीजी ली को ले सकते हैं, और अब यहाँ पर लीजी ली का देखिए परसेंटेज यहाँ पर देख लेते, जो यहाँ पर देखिए जो सिर्फ यहाँ पर 23% लोगों ने यहाँ पर लिया है लीजी ली को। तो आप यहाँ पर अगर गैर लीग खेल रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर लीजी ली को जरूर लेना। तो यहाँ पर और उसको यहाँ पर दो तीन टीम अगर कर रहे हैं तो उसको कप्टन कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दीजिए फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर खेल जाए तो आप यहाँ पर इजी गैर लीग यहाँ पर जीत सकते हैं। उसके बाद फिलहाल मैं यहाँ पर बेदमनी के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने चार बैट्समैन यहाँ पर लिया है, डुप्लीज़ को, उसके बाद क्या टीम है, उसके बाद फ्रेंड्स एंजेला डिक्स एंड यहाँ पर क्रिविस शॉट। फ्रेंड्स आपके पास चॉइस बन जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नीचे हैरिस का चॉइस है, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर तीन ऑलराउंडर यहाँ पर लिया है, ग्रेस हैरिस को, उसके बाद सैमी जो जॉनसन जोनासन एंड यहाँ पर लास्ट में रिन ऑसबर्न को। हालांकि अच्छा फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एनी ऑसबोर्न के साथ जाऊँगा। आप चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जेस जोनाथन का चॉइस बन जाता है, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर नीचे एलुइस तो खेलेंगे नहीं, अब उसको बिल्कुल मत लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो फ्रेंड्स एनाबेल सुदरलैंड को ले सकते हैं, जो यहाँ पर अच्छा बैटिंग के साथ साथ अच्छा बॉलिंग भी करने नजर आ जाएगा आपको, चाहे तो उसको ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तीन बॉलर यहाँ पर लिए, किमांची को लिया, उसके बाद हॉली फ्रेलिंग एंड यहाँ पर एलाना किंग। आपके पास चॉइस बन जाता है, जैसे फ्रेंड्स ऊपर में क्रिश्चियन विम तो खेलेंगे नहीं, आप उसको मत लेना फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर चाहे तो आप निकोला हैनकॉक को ले सकते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स आप हॉली फ्रेलिंग को बैठा के यहाँ पर निकोला हैनकॉक को ले सकते हैं, वो क्रेडिट में भी आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टीम पे भी दिखाए थे फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो कप्तान यहाँ पर बृहदमनी को बनाए हूँ, और जो यहाँ पर जो वाइस कैप्टन है ये ऑसबोर्न को बनाए हूँ। हालांकि अच्छा फॉर्म में नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्लेयर है, मैं उसके साथ यहाँ पर जाऊँगा। आप चाहते हैं फ्रेंड्स आपके पास चॉइस बन जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर एस जॉनसन यहाँ पर जी हरीश, दोनों में से कोई एक को आप बना सकते हैं, जो आपके पास चॉइस बन जाता है अच्छा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप बैटिंग में किसको बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए जो डुप्रीजी, उसको भी आप यहाँ पर चाहे तो बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बॉलिंग में बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही चॉइस यहाँ पर बन जाते हैं, जैसे किमांची का, जो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बॉलर है, आप चाहे तो उसको वाइस कैप्टन यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आप जो यहाँ पर प्ले स्पॉट और हालाप्ले का टीम जो शॉर्ट में आपको यहाँ पर दिखा देते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स अगर अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिखा देते हैं आपको प्ले स्पॉट का टीम। तो फ्रेंड्स आपको शॉर्ट में यहाँ पर दिखाया था लगभग यहाँ पर सेम ही टीम है, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं बृहदमनी को लिया, उसके साथ यहाँ पर ऑसबोर्न को लिया, उसके बाद एलुइस, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते सैमी जो जॉनसन, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं एलाना किंग, डेलिसा किमांची, उसके बाद निकोला हैनकॉक, उसके बाद एंजेला डिक्स एंड उसके बाद क्या टीम है कर्बी शॉट एंड यहाँ पर डुप्लीस को। सो आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सेम टीम है, और यहाँ पर जो कप्तान यहाँ पर देख सकते हैं एरिन ऑसबोर्न को बनाया, जो स्टार प्लेयर है यहाँ पर जो कप्तान यहाँ पर बनाऊंगा मैं, अब देख सकते हैं यहाँ पर एरिन ऑसबोर्न को, और यहाँ पर जो स्टार प्लेयर यहाँ पर बेदमनी को बनाया हूँ। अब जो आपका हाला प्ले का टीम जो बनाया है वो भी आपको यहाँ पर दिखाया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं हाला प्ले का टीम यहाँ पर सेम ही टीम है, वो भी आपको यहाँ पर शॉर्ट में दिखाया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सेम तीन यहाँ पर जो चार बैट्समैन यहाँ पर लिया है, डुप्लीसी को, उसके बाद शॉट को, उसके बाद के मैक एंड यहाँ पर एंजेला यहाँ पर रिक्स को, उसके बाद यहाँ पर सेम तीन बॉलर किमांची, उसके बाद एलाना किंग एंड यहाँ पर हैनकॉक को। उसके बाद यहाँ पर बॉलर की तरफ से बात करें तो एस जॉनसन, उसके बाद यहाँ पर ऑसबोर्न एंड यहाँ पर हैरिस को, एंड जो यहाँ पर विकेट कीपर बेदमानी को लिया हूँ। तो यहाँ पर सेम जो टीम यहाँ पर, और जो कप्तान यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो विकेट कीपर है यहाँ पर बेदमानी को बनाई हूँ। आप चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पर लीजिए ली विकेट कीपर को ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास और भी चॉइस बन जाता है, जैसे यहाँ पर ऑलराउंडर में आप बना सकते हो ऑसबोर्न को, उसके बाद यहाँ पर हैरिस को बना सकते हैं, यानी यहाँ पर उसके साथ साथ जॉनसन का भी चॉइस यहाँ पर बन जाते हैं। तो इन लोगों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो भी जानकारी था, जो भी डिटेल्स था, मैंने आपको दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखते रहे मेरा वीडियो, और बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।